हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीलॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में गोल्डन क्रेसेंट हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ विच अपीयर इन टू अ न्यूज़ पेपर रिसेंटली। सो बिफोर आई स्टार्ट, द एडमिशन हैज़ बीन ओपन फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर कोर्सेज। यू कैन कॉल अस एट 9971444054, और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.lawentranceindia.com। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट वॉट इज गोल्डन क्रेसेंट विद द न्यूज़। एक न्यूज़ आई थी 21 सितंबर 2021 में, BBC और मेजर न्यूज़ पेपर इन इंडिया, दे ऑल्सो रिपोर्टेड इट। सो लेट्स रीड द न्यूज़। द न्यूज़ सेज दैट इंडियन एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैव सीज्ड नियरली 3 टन्स या 3,000 kg ऑफ हीरोइन, रिपोर्टेडली वर्थ अराउंड $2.7 बिलियन इन अ मेजर ऑपरेशन एट अ पोर्ट इन गुजरात स्टेट। सो द न्यूज़ कहती है कि 3,000 kg के हीरोइन को पकड़ा गया है। कहाँ पकड़ा गया था? मुंड्रा पोर्ट में पकड़ा गया था। इट वॉज फ्रॉम मुंड्रा पोर्ट। नाउ इफ वी सी दैट ये कहाँ से आया था, फ्रॉम वेयर डिड इट केम, सो द शिपमेंट ये अफगानिस्तान से आया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाल्क स्टोन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे है अफगानिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका ईरान। ओके, तो अब आप देखिए कि ये कैसे आया। तो आप देखेंगे कि ये पहले अफगानिस्तान से ईरान आया, फिर ईरान से इंडिया आया, ये इसकी रूट थी। नाउ द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसको इंटेलिजेंस मिला था, उन्होंने कहा कि दैट दे हैड रिसीव्ड द इंटेलिजेंस दैट अ शिपमेंट इज गोइंग टू कम फ्रॉम बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट कहाँ पे है? ईरान में है, इन ईरान, एंड इट वॉज सस्पेक्टेड टू कंटेन नार्कोटिक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने लायक है। पहला कि वॉट वॉज द वॉल्यूम ऑफ हीरोइन, दैट इज 3,000 kg। देन इट केम फ्रॉम अफगानिस्तान थ्रू ईरान एंड देन इन गुजरात। तो आप ये रूट को ध्यान से देखिए। ओके, नाउ अब आते हैं कि अफगानिस्तान का नाम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें गोल्डन क्रेसेंट को समझना होगा कि दैट वॉट इज दिस गोल्डन क्रेसेंट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस मैप को, तो आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान के बगल में ईरान दिख रहा है, और ये पाकिस्तान। इन तीनों के जंक्शन पर आप देखेंगे, ठीक है ना, एक एरिया आता है जिस इज़ लाइक अ गोल्डन क्रेसेंट। ओके, उसका शेप जो है वो क्रेसेंट शेप होता है, और हम उसे कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। नाउ दिस गोल्डन क्रेसेंट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, एंड ये जो माउंटेनियस रीजन है ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इसके बीच में ये लाई करता है। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का एक डेटा है, वो कहता है कि अफगानिस्तान अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ओपियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो अफगानिस्तान विच इज़ द मेजर हब ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इट लाइज इन द गोल्डन क्रेसेंट। तो जो गोल्डन क्रेसेंट है वो बेसिकली 3 कंट्रीज को ओवरलैप करता है, दैट इज ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। बट जो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, वो कहता है कि अफगानिस्तान अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द ओपियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये भी देखना है, जो हमने न्यूज़ भी देखा, कि दो अफगानिस्तान इट इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द ओपियम, बट जो ज़्यादा जो रिकवरी होती है नार्कोटिक्स की, या जो सीजर्स होते हैं, दे आर मेड इन ईरान। इट मीन्स कि अफगानिस्तान में प्रोडक्शन होता है, एंड देन ईरान के थ्रू वो साउथ एशिया और बाकी कंट्रीज़ में वो कंसाइनमेंट ओपियम का वो जाता है, जैसे कि हमने अभी ये न्यूज़ पढ़ा। नाउ ओपियम का और हीरोइन का क्या रिलेशन है? सो ओपियम एंड हीरोइन, सो हीरोइन इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ ओपियम दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ पॉपी प्लांट दैट इज कॉल्ड एज पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ऐसा है कि अफगानिस्तान ही क्यों ओपियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जबकि गोल्डन क्रेसेंट जो है इट कंप्राइजेज ऑफ 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो जो अफगानिस्तान में ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों है, इसको समझने के लिए हमें अफगानिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी होगी। सो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट अफगानिस्तान? सो लेट सी, द हिस्ट्री ऑफ गोल्डन क्रेसेंट इज सच दैट अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है दैट सिंस 1979 देयर इज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए, कुछ ऐसे वॉरलॉर्ड्स खड़े हुए विच डिमांडेड हाई टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स। अब फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सो दे नीडिड अ क्रॉप विच रिक्वायर्ड लेस वाटर, लेस इनपुट एंड गिव देम हाई रिजल्ट।
तो इस पॉलिटिकल टर्मोइल में उनको ओपियम या पॉपी एक ऐसा प्रोडक्ट लगा कि जिसको वो ग्रो करके कम वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते थे। उसके साथ साथ जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे अफगानिस्तान में, वो इस ओपियम से जो बनी हुई जो हीरोइन है उसका ट्रेड करके, वो ड्रग ट्रैफिकिंग करके अपने टेरर एक्टिविटीज़ को बड़े आसानी से फाइनेंस कर सकते थे। तो इन दोनों फैक्टर्स ने, पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेकंड टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट ग्रुप्स दे नीडेड मनी टू रन देयर ऑपरेशंस, तो इन दोनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन हुआ, इट गेव राइज टू अफगानिस्तान बिकमिंग द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। क्यों इन्वेड किया, इसका हिस्ट्री कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, बट इसका जो एक इम्पैक्ट था वो ये था कि इट रिजल्टेड इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन अफगानिस्तान। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि टू काउंटर द सोवियत इन्वेजन देर वेर वॉर लॉर्ड्स हु बिकेम मुजाहिदीन। नाउ दिस वॉर लॉर्ड्स दे स्टार्टेड डिमांडिंग हाई टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, देन फार्मर्स दे टुक अप द ओपियम कल्टिवेशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट रिक्वायर्स लेस वाटर एंड इट गिव वेरी हाई रिटर्न। जब 1996 में तालिबान का रूल आया अफगानिस्तान में, तो जो ओमर मुल्ला थे, मुल्ला ओमर, ही रिलीज्ड अ फतवा बैनिंग ओपियम प्रोडक्शन इन अफगानिस्तान। सो फ्रॉम 1996 टू 2001 ओपियम प्रोडक्शन अफगानिस्तान में डिक्रीज कर गया। बट जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, देन USA इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड तालिबान वॉज डिपोज्ड फ्रॉम पावर। सो अगेन अफगानिस्तान बिकेम अ लुक्रेटिव प्लेस फॉर ग्रोइंग ओपियम। सो ओपियम प्रोडक्शन वो है तालिबान के फॉल के बाद फिर से रेज्यूम हो गया। जैसे जैसे ओपियम ट्रेड ग्रो होना स्टार्ट हुआ, ओके, टेररिज्म भी अफगानिस्तान में बढ़ रही थी, सो ओपियम एंड हीरोइन ट्रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग बिकेम वन ऑफ द लुक्रेटिव बिजनेस इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ फंड फॉर द टेररिस्ट। सो जैसे कि हम फिर से देखेंगे कि यहाँ पे अफगानिस्तान, इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ ओपियम प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस सेवरल रीजंस। द नेक्स्ट इज कि ड्रग रूट्स क्या है। अफगानिस्तान में प्रोड्यूस तो होता है, बट ट्रेड कैसे होता है ऑफ दिस हीरोइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दो रूट्स हैं, इनफैक्ट तीन रूट्स हैं। इंडिया के पर्टिकुलर इंटरेस्ट में अगर हम देखेंगे तो सदर्न रूट इंपॉर्टेंट है, बट देर आर थ्री रूट्स। वन इज नॉर्दर्न रूट, वन इज बाल्कन रूट, वन इज सदर्न रूट। मतलब जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो इस तीन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर सप्लाइंग द हीरोइन इन अनदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाल्कन रूट से वो यूरोप की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न रूट से वो सेंट्रल एशिया और रशिया की तरफ जाते हैं, सदर्न रूट से, जैसा कि हमने न्यूज़ भी देखा, इट इज़ सप्लाइड टू इंडिया, अफ्रीका, श्रीलंका एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। द नेक्स्ट इज कि वाई इंडिया इज वल्नरेबल टू दिस गोल्डन क्रेसेंट। तो हम अगर ध्यान से इस मैप को देखें तो इंडिया को जो डेंजर है सिर्फ गोल्डन क्रेसेंट से नहीं है, गोल्डन ट्राइंगल से भी है। अब ये गोल्डन ट्राइंगल क्या है, गोल्डन ट्राइंगल इज ऑल्सो एन इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एक तो गोल्डन क्रेसेंट है, दूसरा गोल्डन ट्राइंगल है, दिस बोथ रीजन्स आर ओपियम प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अगर हम इंडिया का लोकेशन देखेंगे, सो इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रेसेंट में हम जानते हैं इट कंप्राइजेस ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान, बट गोल्डन ट्राइंगल में वी हैव थाईलैंड, म्यांमार, लाओस एंड वियतनाम। नाउ इट मीन्स दैट इंडिया को ड्रग ट्रैफिकिंग से बहुत ज़्यादा डेंजर है। नाउ इफ देयर इज अ डेंजर, देन वॉट इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू कर्ब दिस ड्रग ट्रैफिकिंग। जैसा कि आप मैप देख सकते हैं, ये एक वही मैप है जिसको कहते हैं सदर्न रूट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग। ये अफगानिस्तान से ईरान आता है शिपमेंट, फिर वहाँ से वो अफ्रीका की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं एक रूट अफ्रीका की तरफ गई, एक रूट इंडिया की तरफ आई और एक पाकिस्तान की तरफ गई और एक रूट यहाँ से निकल के श्रीलंका होते हुए बाकी साउथ एशियन कंट्रीज पे पहुँचती है। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो मैरीटाइम रूट्स जो है, इट अकाउंट्स फॉर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अफगान ओपिएट्स ट्रैफिक्ड टू अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो अफ्रीका और साउथ एशिया में जो मेजर सोर्स ऑफ दिस इनकमिंग ऑफ ड्रग्स इज, इट इज़ थ्रू दिस रूट्स। ओके, नाउ ये जो रूट है
ये इट कंप्राइजेस ऑफ माक्रान कोस्ट, ओके, एंड फ्रॉम माक्रान कोस्ट टू साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका। जो मुंड्रा पोर्ट में जो ड्रग सीज हुआ है, जो अब बंदर अब्बास पोर्ट से आया था, वो भी एक सेम रूट फॉलो कर रहा है। अब इसको कर्व करने के लिए द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनका एक प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोबल मैरीटाइम क्राइम प्रोग्राम। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2014 एंड इट एस्टेब्लिश्ड इंडियन ओशियन फोरम ऑन मैरीटाइम क्राइम। नाउ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन ओशियन फोरम ऑन मैरीटाइम क्राइम? सो जितने भी लिटोरल स्टेट्स हैं, लिटोरल स्टेट्स मीन्स द स्टेट्स विच फॉर्म्स द बाउंड्री विद इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एक्सेट्रा, तो इन कंट्रीज़ को एक साथ लाना पड़ता है फॉर प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन टू काउंटर क्रिमिनल एक्टिविटी इन मैरीटाइम डोमेन। तो जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो पायरेसी हो, कुछ भी हो, दे आर सॉल्व थ्रू कोऑपरेशन बिटवीन द इंडियन ओशन लिटोरल कंट्रीज। देन द नेक्स्ट इज देर आर टू रीजनल इनिशिएटिव्स ऑल्सो टू कर्व दिस ड्रग ट्रैफिकिंग। वन इज कोलंबो डिक्लेरेशन। तो कोलंबो डिक्लेरेशन ये 2016 में अडॉप्ट किया गया था बाय द 18 इलेक्टोरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, एंड द एम ऑफ द कोलंबो डिक्लेरेशन इज टू मेक इंडियन ओशन रीजन अ ड्रग फ्री जोन। क्यों हम क्यों इंडियन ओशन रीजन सी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि मैरीटाइम रूट्स दे फॉर्म सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अफगान ड्रग ट्रैफिकिंग रूट्स। द नेक्स्ट इज एंड वेरी रिसेंट द बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन इन कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एंड इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो यहाँ पे जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं विच आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू ड्रग ट्रैफिकिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, इट ए द कन्वेंशन एम्स टू ब्रिंग देम टुगेदर टू एनहांस कोऑपरेशन, शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर टैकलिंग द ड्रग ट्रैफिकिंग। होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन GK, करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, क्वांट एंड मैथमेटिक्स, रीजनिंग। थैंक यू।